What is up, Kolkata? See? Hello. What is up, Kolkata? So, हम पहुंच गए हैं. ये सबसे बड़ा फिल्म सिटी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है. या जगह बहुत बड़ा है. अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है कि नहीं, आई रियली डोंट नो. ये बहुत, मुझे तो कुछ खास लग नहीं रहा. बहुत बड़ा जगह है ये, आधा ही जगह है. यहाँ पे लिटरली आपको पैदल नहीं, गाड़ी लेके घूमना पड़ेगा एक जगह से दूसरे, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने की. वेलकम बैक टू मर्विस एम के एवरीवन. सो या अभी है 2:56 AM और अभी सब लोग सो रहे हैं और मैं बाहर निकल पड़ी हूँ लॉन्ग ड्राइव पे. नहीं, मैं काम के लिए जा रही हूँ. ओ प्लीज़, इतनी रात को. वैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव लेना अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग जानते हो, और इससे पहले भी बहुत सारे ट्रैवल्स वीडियो आप लोग देख चुके हो. और ये है अंधेरी गुफा, नहीं एक रास्ता है, हाईवे है, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था. और मैं हमेशा ट्रैवल करने के टाइम कॉफ़ी या फिर चाय प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस टाइम हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मन नहीं किया, सिंपल. और देखते ही देखते सुबह हो गया. और वैसे ये सुबह मैं रोज़ ही देखती हूँ. मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती है, ज़िंदगी में कभी सनराइज़ देखा है? उठा करो सुबह सुबह. मम्मी को क्या पता, मैं तो सुबह 5 बजे सोने ही जाती हूँ, तो मैं सनराइज़ देख के ही सोने जाती हूँ. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लोल, जोक्स ऑफ द पार्ट, इग्नोर इट. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप मेरे चैनल में पुराने हो तो क्या यार, शेयर करो और भी सब्सक्राइबर दे दो. इतने मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर फेंक के मारोगे तो क्या जाएगा आप लोगों का, है ना. तो बातें करते करते हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन पे. और जैसे कि आप लोग वीडियो स्टार्टिंग में ही देख चुके हो कि क्या होने वाला है. सो बहुत यूट्यूबर्स का मानना है कि ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फिल्म सिटीज़ में एक है. मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना है कि वो हैदराबाद में है. कभी गई नहीं हूँ, जाऊँगी तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी और वहाँ का हालचाल भी कैसा है सब आप लोगों को बताएंगे. लेकिन हाँ जी, अभी फ़िलहाल जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का हालचाल हम जेन्युइनली बताएंगे, और सब मेरे वीडियोस इसलिए आप लोग देखते हो क्योंकि आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है. और यहाँ पर भी हम वही करेंगे. ये हम पहुँच गए लोकेशन के गेट के बाहर. बहुत टाइम के बाद दरवाज़ा खोला उन लोगों ने, मैंने वीडियो बीच में से कट कर दिया. हम लोगों का आधा घंटा तक गेट के बाहर रोक के रखा हुआ था. किस लिए? बिकॉज वो लोग चैन की नींद सो गए थे दरवाज़ा बंद करके. फाइनली ये दरवाज़ा खुल चुका है. ऐसा लग रहा है कि जुरासिक वर्ल्ड में एंट्री ले रहे हैं. हाँ, अभी डायनासोर निकलेगा साइड में से और फिर हम लोगों को खा जाएगा. वो देखो एक जॉम्बी खड़ा है. अरे वो देखो प्लेन. अरे ये जॉम्बी वाला प्लेन है. वो विजय माल्या भाग गया, उसका प्लेन इधर ही छोड़ के गया था. बोला कि ले लो, काम चला लो शूट के लिए, इसके लिए भी हम पैसे लेंगे. हाय भगवान, क्या क्या करते रहते हैं. बड़े मस्ती में पहुंच गया लोकेशन में. बाकी के वीडियो आगे देखिए. ठंडा भी नहीं लग रहा है, गर्मी भी नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है. बस वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्या बताएं. और यहाँ से ज़्यादा दूर दीघा नहीं है, बहुत ही पास में ही है. लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा है. और ये जो बिल्डिंग है इसके पास में और बिल्डिंग है, लेकिन बहुत ही बेकार है यहाँ का रूम्स. लेकिन कुछ कर नहीं सकते आप. इफ़ आप लोग इस जगह को शूट के लिए या फिर प्री वेडिंग के लिए बुक करते हो तो आपको इसी बिल्डिंग में रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. रूम्स बहुत ज़्यादा घटिया है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना. हाँ, I'm getting mighty tired of your traveling ways. ऐसा लग रहा है कि इस रूम में सियापे हो गए हैं. ऐसा कुछ नहीं है, शूट चल रहा है तो एक के बाद एक चेंज हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मेस्ड अप है. और वॉल देखा है, यहाँ पे हर इंसान आके अपना नाम लिख के गया है दीवार पे. पेंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है. और ये है फर्स्ट शॉट हम लोगों का जो स्टार्ट हो गया, हमारे ब्राइड एंड ग्रूम जो कि रेडी हो गए फर्स्ट शॉट के लिए. दे आर लुक्स अमेजिंग और उनके फैमिली मेम्बर्स ऑल आर वेरी कूल एंड बहुत ज़्यादा फनी थे. सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे. और ये है हमारी ग्रुप की सेकेंड लुक जो बहुत ही सुंदर उन पर लग रहा था. वो सुंदर है भी, बहुत अच्छी लग रही थी. तो चलते हैं नेक्स्ट शूट लोकेशन पे. ये है, हम चल पड़े फिर से और अभी जाएगा हाथी के पास. बहुत बड़ा जगह है, बिना गाड़ी लेके आप यहाँ पे घूम नहीं सकते हो. गलती से भी ऐसा मत सोच लेना कि वहाँ जाके आप पैदल घूमोगे. नहीं, गाड़ी लेके जाओगे तो गाड़ी से ही घूमना पड़ेगा, नहीं तो गुम हो जाओगे. वहाँ पे तो GPS भी नहीं काम करता. और हाँ, सबसे बड़ी बात, वोडाफोन का नेटवर्क नहीं चल रहा था.
ये बहुत सुंदर लोकेशन था, यहाँ पे शूट चल रहा था, मुझे लोकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव लगे सीरियसली। मेंटेन अगर ये लोग थोड़ा सा कर लेते ना तो इस जगह का वैल्यूएशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंटेन ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शायद करेंगे क्योंकि काम वाम चल रहा था वहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा था लेकिन चल रहा था। चलो, लेकिन मुझे लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कोलकाता से दूर वेस्ट बंगाल के बीच एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे आप आराम से कोई भी शूट कर सकते हो, वेब सीरीज़ का, प्री वेडिंग का, और कोई इंटरफेयर करने के लिए नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, और विंटर के टाइम ओह वाओ क्या ही फीलिंग है, और कितने सुंदर लग भी रहे थे। ये है इन लोगों का रेस्टोरेंट एरिया जो बाहर से तो बहुत अजीब था लेकिन अंदर से चलो ओके। और खाना पीना भी बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि नमक बिल्कुल नहीं था, और मैंने फर्स्ट टाइम थेपला और थेपला आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने ट्राई किया था। खाना मीडियम था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगी लेकिन लाइट बेस्ड था क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खाती हूँ एकदम। यू गाइस नो मी, मैं कितना बाहर का खाना खाती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है। ठीक ठाक ठीक ठाक, लिमिटेड स्टॉक था लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना। और ये जो भी है, मैंने ना पहले सोचा था कि कोई कैसल होगा तो मैं यहाँ पे आ गई रील बनाने के लिए, मुझे बड़ा मस्त लगा था, लेकिन ये पूरा सांपों का खंडर है। यहाँ पे श्रीदेवी भी निकल सकती है सांप बन के। अचानक से मेरे पीछे कोई आ गई, मैं वही इमेजिन कर रही थी कि कहीं नागिन या फिर नागमणि मिल जाए यार, पता नहीं। फिर मैं वो ढूंढने भी गई लेकिन उसके बाद मुझे डर लग गया क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा डरावना था और दूर दूर तक कोई नहीं, मैं अकेली थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कौन सा पेड़ है कौन सा सांप है आपको पता नहीं चलेगा। इवन कि मेरे साथ तो एक चीज़ का दर्शन भी हो गया था, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे वीडियोस फैमिली मेंबर्स भी देखते हैं, मुझे कूट कूट के पीटेंगे। मतलब मुझे जाना ही जाना है, मैं कैसे जाऊँ, आई एम लिटिल स्केर्ड, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ तक जाना है उस बीच में, उसके बीच में, और चलो कोशिश करते हैं। सो मीन यहाँ 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 ये ओके डन यो ओके या ओहो ओहो यू नो डर के आगे जीत है। फाइनली दुनिया जय करके आई मीन बहुत सारे रील्स उस खतरनाक जगह पे बना के हम आ चुके नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए, और हम लोगों का ऑलमोस्ट डे वाला शूट शॉट जितना था ख़त्म हो गया। और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे। सो अभी चलेगा नाइट वाला जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। सेटअप देखा है, जस्ट लुक एट दिस सेटअप, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो फाइनली हो गया पैकअप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी जा रहे हैं घर के ओर, फिर से आ गए अंधेरी गुफा आई मीन हाईवे, और मुझे ऐसे हाईवेज पे लॉन्ग ड्राइव लेना मस्त मज़ा आता है। मैंने तो लास्ट हम बिहार भी चले गए थे, बहुत मज़ा, बीच में शेरी पंजाब, तो यू नो ये तो घर बार है सबका, कोलाघाट मतलब शेरी पंजाब का तो दर्शन एक बार होना ही होना है। जैसे कि आप लोग जय माता जी जाओगे तो जय माता जी मंदिर नहीं जाओगे तो कोलाघाट आओगे, तो शेरी पंजाब भी आना चाहिए, वैसे ही है। So thanks for watching everyone, milte hain next video pe.